ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। आज होगा विधायक आवास योजना का लोकार्पण। सीएम अशोक गहलोत करेंगे योजना का लोकार्पण। समय से पहले हाउसिंग बोर्ड ने योजना का जो काम है वो पूरा किया है। बेहद अत्याधुनिक तरीके से विधायकों के आशियाने तैयार हुए हैं, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बतौर विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आज लोकार्पण कार्यक्रम है और आज विधायक आवास योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। आपको बताएं कि समय से पहले हाउसिंग बोर्ड ने इस योजना का काम पूरा किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इसका लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन हर तरफ चर्चा इन विधायकों के आशियानों की हो रही है। वो इसलिए भी क्योंकि एक तो कम समय में इसको बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन साथ ही साथ बेहद अत्याधुनिक तरीके से विधायकों के आशियाने तैयार हुए हैं। हर एक सुविधा विधायकों को इन आशियानों में मिलने वाली है। हालांकि समय से पहले इसको तैयार कर लिया गया है। सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे इस दौरान जब लोकार्पण सीएम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बतौर विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मंत्री शांति धारीवाल और सभी मंत्री, विधायक भी और साथ ही साथ अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और देखिए, युवाओं का नौकरियों से होता मोह भंग, स्टार्टअप और बिजनेस अब पहली पसंद युवाओं की बनता जा रहा है। 40% से अधिक युवा शुरू करना चाहते हैं स्टार्टअप। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईटी प्रोफेशनल बनने में रुचि अब युवाओं की कम हो रही है। 11% युवाओं की ही अब डॉक्टर इंजीनियर बनने की रुचि नजर आ रही है। युवाओं का नौकरियों से मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युवा अब स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं। बिजनेस अब पहली पसंद युवाओं की बनता जा रहा है, इसीलिए 40% से अधिक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईटी प्रोफेशनल बनने में अब युवाओं की रुचि कम होती जा रही है। 11% युवाओं की ही अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने में रुचि है। आगे बढ़ेंगे स्पाइस जेट की फ्लाइट का मतलब अब कंफ्यूजन होता जा रहा है। वो इसलिए कि कब हो जाए फ्लाइट कैंसिल, किसी को ये पता नहीं है। आज फिर स्पाइस जेट फ्लाइट संख्या SG2943 जयपुर पुणे कैंसिल हो गई। फ्लाइट संख्या SG2944 पुणे जयपुर कैंसिल हुई है। अब आप सोचिए कि फ्लाइट कैंसिल हुई है तो फिर यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। SG2943 जयपुर से सुबह 5:25 पर उड़ान भरती है। सुबह 7:30 पुणे एयरपोर्ट पर लैंड होती है, तो वहीं SG2944 पुणे से 7:50 पर उड़ान भरती है। सुबह 10:00 जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होती है, लेकिन महीने में करीब 10 बार दोनों फ्लाइट कैंसिल हो ही जाती हैं, तो 15 से अधिक बार होती हैं तय शेड्यूल से लेट संचालित। अब लेट भी आ रही है फ्लाइट, तो भी जो यात्री उनको परेशानी हो रही है, लेकिन जिन्हें कहीं जाना है, जिन्होंने अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा है, आप सोचिए अचानक से उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है, उनका किस तरीके से प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाता है। अब ऐसे में यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, यात्रियों की परेशानी बढ़ना भी अब लाजमी हो जाता है। गृहमंत्री अमित शाह कल से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कच्छ से करेंगे अपने दौरे की शुरुआत। बीएसएफ के कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ बॉर्डर विजिट करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। बीएसएफ के कुछ प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे गृहमंत्री। सर क्रीक बॉर्डर का दौरा भी कर सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह। कच्छ के कोटेश्वर स्थित महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अपने 2 दिन के दौरे में गांधीनगर में भी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो 2 दिवसीय दौरा ये बेहद अहम रहने वाला है गृहमंत्री अमित शाह का। कल से शुरुआत हो जाएगी 2 दिवसीय गुजरात दौरे की। गृहमंत्री अमित शाह कच्छ से अपने दौरे की हालांकि शुरुआत करने वाले हैं। बीएसएफ के कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ बॉर्डर विजिट भी वो करेंगे और साथ ही साथ बीएसएफ के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास वो करने वाले हैं। इसके अलावा सर क्रीक बॉर्डर का भी दौरा वो कर सकते हैं, हालांकि फिलहाल ये प्रस्तावित बताया जा रहा है। कच्छ के कोटेश्वर स्थित महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे गृहमंत्री, लेकिन अपने 2 दिन के दौरे में गांधीनगर में भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं, उनमें शिरकत करेंगे। अगले माह यूरोप जाएंगे राहुल गांधी। सितंबर के दूसरे हफ्ते में यूरोप जाएंगे राहुल गांधी। बेल्जियम,
नॉर्वे और फ्रांस जाएंगे राहुल गांधी। यूरोपीय संसद के सांसदों से मुलाकात राहुल गांधी करने वाले हैं। एक बार फिर से यूरोप का दौरा राहुल गांधी का। प्रवासी भारतीयों और छात्रों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका भी राहुल गांधी जा चुके हैं और उस दौरान भी जो उन्होंने कहा, संबोधन जो उनका हुआ, वो देश में चर्चा का विषय बना, क्योंकि कई लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखती हुई नजर आई। अगले माह यूरोप जाएंगे राहुल गांधी। सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी यूरोप जाएंगे। बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस जाएंगे राहुल गांधी। यूरोपीय संसद के सांसदों से राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं। प्रवासी भारतीयों और छात्रों से भी राहुल गांधी मिलेंगे। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, तटीय विकास प्राधिकरण का नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई है सिद्धारमैया सरकार की तरफ से। अब तटीय क्षेत्र विकास बोर्ड होगा नया नाम। उडुपी, उत्तर कन्नड़ और चिकमंगलुरु के 23 तालुका के नाम इसमें शामिल हैं। तो बेहद अहम और बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का। तटीय विकास प्राधिकरण का नाम बदलने को सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अब तटीय क्षेत्र विकास बोर्ड होगा जिसका नया नाम होगा उडुपी, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलुरु के 23 तालुका इसमें शामिल है। कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की तैयारी है। 29 मई को भोपाल में हुई एनटीसीए की 23वीं बैठक में कुंभलगढ़ को लेकर चर्चा हुई थी। अब एनटीसीए कुंभलगढ़ को बतौर टाइगर रिजर्व की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। 4 अगस्त को हुई बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। सांसद व एनटीसीए की सदस्य दिया कुमारी के प्रयासों का ही यह नतीजा है कि मंजूरी मिल गई है। अब एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुरूप करनी होगी वन विभाग को तैयारी। प्रदेश में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा, रामगढ़, विषधारी के बाद 2 और बन जाएंगे टाइगर रिजर्व और ये अच्छी बात है, सुखद खबर है ये। धौलपुर और कुंभलगढ़ होंगे नए टाइगर रिजर्व। एक तरफ तो राजस्थान बागिस्तान की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी कड़ी में ये एक बेहतर पहल कही जा सकती है। हालांकि दिया कुमारी की तरफ से पहल जो की जा रही थी वो अब रंग लाई है, क्योंकि मंजूरी मिल गई है कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की तैयारी की जा रही है। 29 मई को भोपाल में हुई एनटीसीए की 23वीं बैठक में कुंभलगढ़ को लेकर हालांकि चर्चा हुई थी। अब एनटीसीए कुंभलगढ़ को बतौर टाइगर रिजर्व की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। 4 अगस्त को हुई बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। सांसद और एनटीसीए की सदस्य दिए कुमारी के प्रयासों का ही यह नतीजा है। अब एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुरूप करनी होगी वन विभाग को तैयारी इसकी। आपको ये भी जानकारी दें कि प्रदेश में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा, रामगढ़, विषधारी के बाद 2 और बन जाएंगे टाइगर रिजर्व। इसके बाद धौलपुर और कुंभलगढ़ होंगे नए टाइगर रिजर्व। और देखिए दिल्ली में अगले महीने G20 सम्मेलन होने जा रहा है। तमाम होटल बुक इसके लिए हो गए हैं। टॉप लग्जरी होटलों के सभी कमरों की 100% बुकिंग हो चुकी है। दिल्ली 9 से 10 सितंबर को होगा दिल्ली में G20 सम्मेलन। इन तारीखों में बड़े होटलों के कमरे खाली नहीं हैं। अब इस दौरान छोटे होटलों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है, क्योंकि जो बड़े होटल की बात करें, वो जो बड़े होटल के जो रूम्स हैं वो पहले ही बुक हो गए हैं। दिल्ली में अगले महीने G20 सम्मेलन होना है, जिसकी तैयारी लगातार चल रही है। दिल्ली में तमाम होटल जो हैं वो पहले ही बुक हो गए हैं। टॉप लग्जरी होटल्स के सभी कमरों की 100% यानी कि 100% बुकिंग हो चुकी है। कोई भी कमरा वहां पर खाली नहीं है, बुकिंग नहीं मिल पा रही है लोगों को। अब दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होगा। और